अच्छा, अब मैं बैठा हूँ फेयर हॉल, बड़ा मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है कराची का। थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया। ये बिल्डिंग जो है 150 साल पुरानी है। सामने दिखाता हूँ आपको, घुमाता हूँ। ये देख रहे हैं मेरे सामने आप, ये फेयर हॉल कहलाता है। इसको बनाया गया था 1865 में, इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा ले कितने साल हो गए, 150 साल हो गए। अब अंदर यहाँ लाइब्रेरी है। अच्छा, किसी ज़माने में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जब बनाया था तो ये कराची का टाउन हॉल था। यहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन होती थी और यहाँ से कराची का निज़ाम चलता था। तो फिर यहाँ कुछ वक्त चला, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो फिर इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। और इसको अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, खूबसूरत है। और इसको रेनोवेट करते रहते ये लोग, इसलिए अच्छी हालत में है। सुना है लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, 7,000 किताबें हैं और पुराने अखबार हैं जो आपको आम दुकानों पे, आम जो मार्केट्स वगैरह वहाँ नहीं मिलते हैं, यानी आर्काइव्स हैं यहाँ पाकिस्तान के। तो अगर मौका मिला तो दिखाता हूँ मैं फिर आपको, मज़ा आएगा। कोई इसी तरह पर बना हुआ है, गोथिक स्टाइल कहलाता है ये। थोड़ा पुराने ज़माने का सिंध का पत्थर लगा हुआ है येलो कलर का। किसी ज़माने में आप सोचें यहाँ क्या होता होगा। बड़ा अंग्रेज़ों ने बहुत काम किया। मुझे ना कभी कभार बड़ी खुशी होती है कि अंग्रेज़ आए तो कुछ छोड़ के गए यहाँ पे। टेलीफोन का निज़ाम दिया, टेलीग्राम, खतूत का जो पोस्टल सिस्टम है वो दिया, ये कितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रेलवे सिस्टम बनाया, वही अभी तक चल रहा है हमारे पास। देखता हूँ अंदर जा सकते हैं या नहीं, उस पर फैसला होगा इस व्लॉग की क्वालिटी का, वरना बाहर से देखना पड़ेगा। वालेकुम, बात करूँ आपसे? नहीं, कौन सी बुक लेने आए आप? यार जो फिलासफी के बारे में, फिलासफी में पॉलिटिकल फिलासफी। ज़बरदस्त जगह यार, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको जो पढ़ना चाहें। डॉन न्यूज़पेपर का आर्काइव्स पढ़ें पीछे, डॉन न्यूज़पेपर आर्काइव्स पढ़ें, 70 साल पुराने, ज़बरदस्त जगह है। बस छाँटना आपको खुद है यहाँ आके, कोई मदद नहीं करेगा आपकी, खुद ढूंढना है। कितनी किताबें हैं, कितना सामान है यार, यहाँ पे देखें। ओहो, जंग अखबार। Thank you.
अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से, उन्होंने कहा पीछे से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, आप लोग देखें एंजॉय करें, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इसकी इसकी तामीर देखें आप, इसका डिज़ाइन देखें, बड़े बड़े दरवाजे, खुला जीना है बिल्कुल, जीना आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ देख रहे हैं। अच्छा अंदर CSS का सेशन भी चल रहा है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो रही है। मुझे शुक्र है अल्लाह का यार, मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी बनाने की, वरना तो बहुत बुरा लगता है। पूरी वीडियो बनाओ, गार्ड आके बोलता लाओ भी दिखाओ क्या बनाया है, चलो भाई डिलीट करो उसको। ये अच्छा है आज यहाँ पे इन्होंने रोका नहीं मुझे, चले यहाँ से अंदर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर है ये देखिए सेशन चल रहा है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब मेरे पास अभी फ़िलहाल अल्फाज नहीं है, यू कांट गेट इनफ ऑफ इट, यू नो, सो ब्यूटीफुल। ये सातकैन की गैलरी है ऊपर, आर्ट गैलरी, बहुत बड़े हमारे एक आर्टिस्ट गुजरे हैं सातकैन, चल के देखते हैं अंदर। इतना सन्नाटा है, सो क्वाइट, सो साइलेंट, इससे पता चलता है कराची वालों को ज़्यादा शौक नहीं है आर्ट का, खाली पड़ा है, अकेला मैं ही हूँ यहाँ पे। लेकिन ये आर्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, इसकी वजह ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है ना, उसमें मीनिंग देने में यानी मायने देने में बहुत दिक्कत होती है कि इसने क्या बनाया, मैं क्या समझ रहा हूँ, इसलिए बस ये देखें और आगे बढ़ें। अगर दिमाग है आपके पास इतना तो फिर आप बैठें सोचें। इस सातकैन साहब की सारी, अच्छा मैं चीज़ दिखाना भूल गया, आप दिखाते हैं, ये देखें सीलिंग देखें आप, ओहो ये है ना देखने वाली चीज़, बहुत खूबसूरत है ये, दिस इज़ ब्यूटीफुल, यू नो। मैं चश्मा उतार के देखता हूँ ज़रा, कलर्स जो है ना इसके, क्या बनाया इसने, इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे यू डोंट नो। लेकिन मैं अगर बेसिक बिल्कुल आप इसको जस्ट टू हैव अ लुक, वो भी आपको ब्रेथ टेकिंग, जो डिटेल्स हैं, कलर छोटी छोटी जगह पे इन्होंने कलर किया हुआ, नेचुरल चीज़ लग रही है, आर्ट लग ही नहीं रहा है। ये है सातकैन, बेनजीर भुट्टो हमें बहुत पसंद थी है, और इनके फादर भी जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन उसके बाद जो हशर हुआ है, पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया है, वो बयान नहीं किया जा सकता। भुट्टो की पीपल्स पार्टी और इनकी जरदारी साहब की बहुत, यानी आसमान से ज़मीन पे आ गए ये लोग, क्वालिटी का जो फ़र्क आया, जो गवर्नेंस का फ़र्क आया है। खैर उस ज़माने में भी कोई अच्छा नहीं था, लेकिन कराची के लिए ये लोग फिर भी बेहतर थे। यह नहीं है कि भुट्टो साहब ने काम किया कराची के लिए, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और सिंधी हो नॉन सिंधी हो उसको पसंद करते थे लोग भुट्टो को। वी विल फाइट, वी विल गो बैक एंड फाइट, माय कंट्री हार्कन्स फॉर मी, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम हियर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यू कैन टेक योर सिक्योरिटी काउंसिल, हियर यू आर, आई एम गोइंग। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया कराची का, सिंध का, कल खबर आई है कि 10 साल की जो नौकरानी थी उसको मार दिया, बेदर्दी से मारा है। इसकी आप वीडियो देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिंध में हुआ है और यहीं होते हैं ऐसे वाकयात, या अंदरून पंजाब में होते हैं, बलूचिस्तान में होते होंगे तो रिपोर्ट ही नहीं होते वो तो।
पता नहीं चलता, सरदार तो वहाँ भी हैं। तो खैर, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, बताइएगा क्या कर सकते हैं इसमें बेहतरी। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे बात करता हूँ। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूँगा, जाने से पहले सोचा एक छोटी सी और बात कर ली जाए, वो ये कि इतना खूबसूरत लगता है दरख्त जो होते हैं, दरख्त पौधे कराची में है ही नहीं, बहुत कम कम है। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कितनी खूबसूरती है दरख्तों में। एक चीज़ होती है मेडिटेशन में कि आप किसी चीज़ को देखें विदाउट नेमिंग इट, तो जब आप विदाउट नेमिंग इट आप देखेंगे ना, आप इसको नेम नहीं दें, दरख्त है, हरा भरा है, खूबसूरत है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, ऑब्जर्व इट, आप देखते रह जाएंगे। एक दफ़ा मैं वॉक करने निकला था सुबह सुबह 6 बजे, तो मैंने दरख्त देखा, 15 मिनट तक मैं देखता रहा था उसको, 15 मिनट तक मैं देखता रहा दरख्त को, ऑब्जर्वेशन इतनी डीप हो गई थी उसमें। तो ये होता है कभी कभी, अभी भी ऐसे ही है, मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का, अभी कॉल आ जाएगी घर से अपनी कि कहाँ हो भाई, कुछ जाना पड़ेगा। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।